क्या कारण है कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों और झीलों में रहने वाले जीव जंतु बर्फ की सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं, जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं जैसे कश्मीर वगैरह या फिर बाहर के देशों में, उन पर झीलों पर बर्फ जम जाती है, लेकिन जो मछलियां हैं या और जीव जंतु हैं वो फिर भी जीवित रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है वो जल से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है, और ठंडे प्रदेशों में जो ताप है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, और जब ताप इतना ज्यादा कई बार तो -डिग्री में भी पहुंच जाता है, और जब ताप सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है जब टेम्परेचर, तो तालाबों और झीलों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है, और जमी हुई बर्फ का आयतन तो ज्यादा होता है और घनत्व कम होता है, इसलिए ये जो बर्फ है वो पानी पर तैरने लगती है। बर्फ पानी को बिल्कुल कवच की तरह ढक लेती है, और ये जो बाहर की ठंडक है जो सर्दियों में इतनी ज्यादा ठंडक होती है उसको पानी के अंदर पहुंचने नहीं देती, ये बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे कि ये जाड़े में स्वेटर काम करता है जो कि ठंड को शरीर के अंदर जाने नहीं देता है, और इसलिए जब तालाब और झील का ताप 0 डिग्री होता है या माइनस होता है या उससे भी नीचे होता है, तो जो नीचे का ताप है, जो सतह से नीचे का झील का या नदी का जो नीचे का ताप है वो 0 से कुछ ज्यादा ही रहता है, मतलब उतना नहीं होगा जितना सतह का होगा, काफी थोड़ा ज्यादा ताप रहेगा और वहां पर बर्फ नहीं जमती है, पानी रहता है, और क्योंकि बर्फ पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देती, इसी वजह से जो पानी रहता है इसलिए उसमें मछलियां जीवित रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यही एक कारण है कि ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं।